नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अमलतास के पेड़ की जानकारी देंगे। अमलतास का पेड़ औषधीय गुणों का भंडार है, खास करके यह आपके पेट रोगों में बहुत लाभकारी होता है। अधिकतर अमलतास का औषधीय प्रयोग बुखार, गले के रोग जैसे कि टॉन्सिल, मुंह के छाले, नए पुराने घाव, शरीर में जलन का होना, खांसी, दमा, यह आंतों को मजबूती प्रदान करता है और कब्ज आदि की समस्या को दूर करता है। बवासीर में भी लाभकारी है। पाचन संबंधी सभी विकारों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डायबिटीज, पीलिया, जोड़ों का दर्द, चेहरे का लकवा जैसी अनगिनत बीमारियों में इसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान करा देते हैं। यह अमलतास का वृक्ष अधिकतर जंगलों में देखा जाता है और सजावटी पौधे के रूप में भी लोग इसको पार्कों में लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों की ऋतु पर इस पर पीले रंग के फूल खिलते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और पूरा वृक्ष पीला हो जाता है। वो गर्मियों में ही इस पर फलियां लगती हैं जो गहरे रंग की होती हैं। इन फलियों से निकलने वाला गूदा बहुत ही औषधीय गुण रखता है। यदि आप इन फलियों को तोड़ते हैं तो इनके अंदर गहरे रंग का गूदा निकलता है जो स्वाद में कुछ मीठा होता है और इसके साथ ही इसके अंदर चपटे कई सारे बीज निकलते हैं। अमलतास के पत्ते इस तरह के होते हैं और इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं। अमलतास का तना जो होता है वह सफेद रंग का होता है और चिकना होता है। इस प्रकार का ये तना है और ये वृक्ष छोटे आकार से लेकर बहुत बड़े आकार तक हो जाते हैं। वर्षा काल में इस पर फलियां लगना प्रारंभ हो जाती हैं जो शुरुआत में हरे रंग की होती हैं। इस अमलतास के वृक्ष को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में राज वृक्ष, आर्यवत, संपाक, हिंदी में अमलतास, सोनहरी, सियाल लाठी, उर्दू में अमलतास, कनाडा में कक कैमरा, तमिल में कोंडरी, गुजराती में गर्गिलो, नेपाली में अमलतास, पंजाबी में भी अमलतास, मराठी में वाहवा और मलयालम में कणी कोन्ना आदि नाम से जाना पहचाना जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है केसिया फिस्टुला। हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते हों। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस अमलतास के वृक्ष के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक के मत अनुसार अमलतास मृदु, स्निग्ध, मधुर और शीतल होता है। यह बुखार, हृदय रोग, रक्तपित्त, वात, उदरवात और दर्द को नष्ट करने वाला होता है। इसकी फलियां रुचिकर, कुष्ठ शामक, पित्त कफ नाशक, पेट को साफ करने वाली और कब्ज को दूर करने वाली होती है। इसके फूल स्वादिष्ट, शीतल, कड़वे, कसेले, वात वर्धक तथा कफ पित्त हर होते हैं। अमलतास की फलियों का गूदा भूख बढ़ाने वाला, मधुर, रेचक तथा वात पित्त का समन करने वाला होता है। तो चलिए कुछ इसके औषधीय प्रयोग जानते हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। अमलतास की फलियों के गूदे में कत्था और धनिया मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुंह में रखकर चूसते हैं तो मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। या फिर सिर्फ अमलतास का गूदा ही यदि मुंह में रखकर चूसते हैं तो मुंह के छाले ठीक होने लगते हैं। इसका एक बहुत ही विचित्र प्रयोग है। यदि गले में गांठ हो जाती है तो अमलतास की जड़ को चावल के पानी में अच्छे से पीस कर उसको सूंघिए और गले पर लेप भी कीजिए। इससे गले की गांठ ठीक हो जाती है और ये गले के अन्य रोगों में भी लाभ पहुँचाता है। जिन व्यक्तियों को नाक में फुंसियां हो जाती हैं, वह अमलतास के पत्तों को उसकी छाल के साथ पीसकर पाउडर बना लें और उस पाउडर को नाक के फुंसियों पर लगाते हैं तो फुंसियां ठीक हो जाती हैं। अमलतास की फलियों के गूदे को 5 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर पानी में खूब उबालें और उसमें शक्कर या फिर बूरा मिलाकर सेवन करते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। यदि दमे की समस्या है तो अमलतास के गूदे का 5 से 10 ग्राम मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सेवन कराएं। बच्चों में होने वाले पेट दर्द, अफारा आदि में अमलतास के गूदे को पानी के साथ पीसकर यदि बच्चों की नाभि के चारों तरफ लेप कर देते हैं तो समस्या दूर हो जाती है। अमलतास के फूलों का गुलकंद बनाकर यदि सेवन किया जाए तो यह पेट की आंतों को सही करता है एवं कब्ज की समस्या भले ही कितनी पुरानी कब्ज क्यों न हो वह दूर हो जाती है।
कब्ज दूर करने के लिए एक और प्रयोग है। इसके दो पत्तों को काली मिर्च और नमक मिलाकर पीसकर पानी के साथ सेवन करने से भी पेट साफ हो जाता है। अमलतास के गूदे का काढ़ा बनाकर सेवन करने से जलोदर की समस्या ठीक होती है। जो लोग काफी समय से दांत खाज खुजली से परेशान है या कुष्ठ रोग है, वह लोग इसके पत्तों को पीसकर यदि पीड़ित स्थान पर लेप करते हैं तो बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। शरीर में होने वाली जलन को दूर करने के लिए अमलतास की छाल को दूध में उबालकर सेवन करते हैं तो शरीर में होने वाली जलन बिल्कुल ठीक हो जाती है। अमलतास के गूदे को यदि गन्ने के रस के साथ सेवन किया जाए तो पीलिया रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी डायबिटीज को नॉर्मल करना चाहते हैं, वह अमलतास के पत्तों का चूर्ण सेवन करें। यदि नियमित मात्रा में रोज पत्तों का सेवन किया जाए तो डायबिटीज नॉर्मल होने लगती है। जोड़ों का दर्द, गठिया व आदि की समस्या में अमलतास की छाल के काढ़े को दूध के साथ उबालकर सेवन करने से बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं और इसके पत्तों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर बांध देने से सूजन और दर्द ठीक हो जाता है। जिन व्यक्तियों को चेहरे का लकवा हो जाता है या फिर एक साइड का अंग काम करना बंद कर देता है, उस समय अमलतास के पत्तों का रस का सेवन करें और इसके पत्तों का रस पीड़ित स्थान पर भी लगाना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस मार्क दूर करने के लिए अमलतास के पत्तों को दूध में पीसकर पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को नियमित लगाते रहने से शरीर पर होने वाली झुर्रियां खत्म होने लगती हैं। वैसे तो इस अमलतास के और भी काफी सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं, जिनको हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।